हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो आज हम क्या करने लगे हैं कि मैं जिस तरह देखा था काफी लोग परेशान है कोलगेट को लेकर, और काफी ज्यादा लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि कोलगेट इतना गिर क्यों रहा है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फॉल एंड द स्टफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक तो सबसे पहले मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊं कि कोलगेट के गिरने की वजह क्यों। अब आप लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको कब से ये समझा रहा हूँ कि कोलगेट क्यों गिर रहा है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म देखें ना, तो कोलगेट आपको पता है कि ये एक हायर अप ट्रेंड में है। ठीक है, जब भी एक स्टॉक अपने हायर ट्रेंड में जाता है, ठीक है, और अपनी एक बाउंड्री से बाहर निकल जाता है और एक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, तो ये इन बाउंड्रीज में था। ठीक है, सिंपल ये ना कोलगेट इन बाउंड्रीज में था। ठीक है, अब उसने क्या किया, इन बाउंड्रीज को इतना बड़ा बूस्ट किया, इतना बड़ा ऊपर गया बाउंड्रीज से और फिर दोबारा नीचे अब गिर रहा। ठीक है, अब यहां से अगर उसने इतनी बड़ी रैली की है, उसने 168% दिया है, तो उसका क्या आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि उसका ये गिरना कोई 30% गिरना कोई आम बात, ये आम बात है एक स्टॉक मार्केट में कि अगर एक स्टॉक आपको 160% रैली दे रहा है, तो क्या वो 30-40% का वो डाउनवर्ड्स भी नहीं जा सकता 30-40%। तो असल वजह इसकी ये है कि ये इसलिए डाउनवर्ड जा रहा है, और ये जो कोलगेट की वैल्यू थी ये अपनी हाइप पे इतना ऊपर गया हुआ था। ठीक है, ऑल्दो ये एक लॉन्ग ट्रेंड में है और स्टॉक एक लॉन्ग ट्रेंड में इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसकी अर्निंग ज्यादा हो रही होती है, वो डिविडेंड्स पे आउट अच्छा कर रहा होता है, बोनस शेयर दे रहा होता है। बट एक स्टॉक का इतना एक दो महीनों में इतना 160-170% ऊपर चले जाना इट इज नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी। दैट्स वाई अब हम इस शेयर को गिरते दिख रहे हैं। और क्यों मैं 1400 रुपए से आप 1300-1400 रुपए से आपको कही जा रहा हूं कि कोलगेट का अक्यूमुलेट करे, क्योंकि आई कैन सी इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू। और आज की वीडियो इसी लिए है कि हम इसकी कोलगेट की इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको एक दिखानी थी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, यहां सिंपल मैं चैट जीपीटी पे गया हूं, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं तो वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन बता देगा कि भाई आपने किस तरह एक्चुअली कैलकुलेट करना है दिस एंड दैट इज सॉल्व का। अब वो कह रहा है पहला आपका तरीका है डीसीएफ एनालिसिस, डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस, दूसरा है डीडीएम। ठीक है, आगे हमारे पास 3-4 और उसने एनालिसिस बता दिए हैं, बट जो इसमें मैं यूज करता हूँ वो हमेशा मैं डीसीएफ यूज करता हूँ। ठीक है, अब वो कहता, अब मैं उसे कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू कैलकुलेट स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू यूजिंग डीसीएफ, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इन्फो and you will calculate the value for me, okay? अच्छा, मैंने इसको कहा कि अब मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और आपने उसका जो है ना इंट्रेंसिक वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, अब वो कहता है ठीक है जी, मैं आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा, बट मुझे जो वैल्यूज चाहिए ना वो मुझे ये चाहिए कि आपकी पी क्रैश फ्लो की प्रोजेक्शन क्या है, टर्मिनल वैल्यू क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, शेयर आउटस्टैंडिंग क्या है। अब मैं तुम लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि तुमने एक अच्छे बिजनेस की इंट्रेंसिक वैल्यू फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आप उस बिजनेस की इंट्रेंसिक वैल्यू पे जाते हो कि किस वैल्यू पे आपने उस बिजनेस को खरीदना है। अब वो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ कि वो तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह करना है। चीजें इतनी आसान हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कि आप लोगों को अपनी नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर आप करोगे तो आप फिर पागल कहलाओगे अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे। तो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि आप इसी मेथड को यूज किया करो। ठीक है, अब वो कहता है कि मेरा फ्री कैश फ्लो प्रोजेक्शन मुझे दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डाटा है ना, हमारे पास हमें पता है कि हम इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे पास डाटा यहाँ पे आता है फाइनेंशियल्स में जाके, हम यहाँ पे कैश फ्लो में जाते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है। अब जो कैश फ्लो की बात हमेशा होती है ना जिसके थ्रू इंटरनेशनल वैल्यू कैलकुलेट होती है वो होती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात। हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का कहना है कि ये एक सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, इसको हमने कहना है अबव
इज द कैश फ्लो इन पी के आर पाकिस्तानी रुपीज 2023 टिल हमारे पास है 2017 रिस्पेक्टिवली। अब हमने उसको कह दिया कि हमारे पास जो आपका फ्री कैश फ्लो है वो ये है, ठीक है। अब टर्मिनल वैल्यूज क्या होती है, टर्मिनल वैल्यूज आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी बेस पे कैलकुलेट कर लेगा। हम उसकी जगह उसको कह देते हैं कि करंट स्टॉक प्राइस इज 1167 पीकेआर, ठीक है। आज कोलगेट की प्राइस 1167 पीकेआर चल रही है। अब वो कहता है कि आपका डिस्काउंट रेट जो है ना, वो डिस्काउंट रेट क्या होता है, मतलब किस रेट से आपका जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब वो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि डिस्काउंट रेट आप ना खुद ही कैलकुलेट करो। हम उसको कहते हैं डिस्काउंट रेट आप खुद ही कैलकुलेट कर ले, ठीक है। अब हम कहते हैं कैलकुलेट डिस्काउंट रेट योरसेल्फ, ठीक है। अब वो कहता है शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कोलगेट के हैं वो कितने हैं। हम यहाँ पे डेटा पोर्टल पे जाएंगे और कोलगेट के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पकड़ के इसको पेस्ट कर देंगे, शेयर्स टोटल इन मार्केट। अब वो इस बेस पे हमारा क्या करेगा, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा। हमने सारा उसको डेटा दे दिया, अब वो उसको फोरकास्ट कर रहा है। अब 2023 में 16.93 बिलियन का हमने कैश फ्लो दिया था, राइट। तो उसने वो पकड़ लिया डाटा, उसने खुद उसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब वो क्या करता है, वी कन्वर्ट दीज कैश फ्लोज मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, कंटिन्यू करना है इसको, कंटिन्यू। अब वो कह रहा है कि हम कैलकुलेट करता है डिस्काउंट कैश फ्लो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लोज कैलकुलेट करेगा हर साल की, ठीक है, कि हर साल हमारा कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ है। ये FCF है हमारे पास, ठीक है। वो हमने उसने सारा कैलकुलेट करा, आपको इतनी इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। FCF क्या होता है, कौन सा कैश फ्लो होता है, FCF जो भी है, फाइनेंस का कैश फ्लो जो भी होता है, ठीक है। अब उसने कहा कि अब मैं टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। टर्मिनल वैल्यू उसने कैलकुलेट किया है और 3% उसने क्या लिया है। अब ये देखो, हमने इसने यहाँ पे कहा था कि हम आपका जो डिस्काउंट रेट है ना वो 3% रख रहा हूँ। अब डिस्काउंट रेट क्या होता है, जिस फ्लो से आपके कैश फ्लो में इंक्रीज आ रहा होता है, ठीक है। मतलब उसने इस इंक्रीज को देखा, उसके मुताबिक उसने डिस्काउंट रेट जो आपका ना 3% रखा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट रेट, यहाँ ग्रोथ रेट सॉरी, और डिस्काउंट रेट आपका उसने रखा है 12%, ठीक है। अब उसने उसके मुताबिक सारी कैलकुलेशन परफॉर्म किया, हम इसको डेप्थ में नहीं देख रहे, ठीक है। उसने अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया हर साल का, FC कैलकुलेट करके। अब वो उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि आपके जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो 890 तक है, ठीक है। अब इसमें हम एक फैक्टर रखते हैं प्रिसीजन का, ठीक है। प्रिसीजन हमारे पास हो सकती है प्लस माइनस 100 PKR। अब मैं कह रहा हूँ 100 PKR प्रिसीजन को ऐड कर दो इनटू कैश इंट्रिंसिक वैल्यू एंड गिव मी अ रेंज। तो हम 100 माइनस ये 100 एक प्लस कर देगा, 100 माइनस कर देगा और रेंज हमें दे देगा कि आपकी जो स्टॉक की लोअर बाउंड है वो हमारे पास 390 रुपीज है और अपर बाउंड 990 रुपीज है। जिसका मतलब है कि आपका स्टॉक अगर 790 और 990 की प्राइस में जा रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे है, उसकी एक्चुअल वैल्यू पे है। अब 790 और 990 को हम अगर मार्क करें अपने इधर चार्ट पे तो वो बनता है 790 हमारे पास यहां हो गया और 990 हमारे पास तकरीबन हमारे पास यहां हो गया, ठीक है। अगर हम अपने वीकली चार्ट पे शिफ्ट हो या डेली पे भी शिफ्ट हो तो अब अहम बात भला क्या है, अहम बात यह है कि जब भी मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में सिखाया है कि जब भी स्टॉक एक विंडोज बनाता है तो उस विंडोज को फुल करने जरूर आता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे इसने एक विंडो बनाई, ठीक है, और ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो बनाई, ऊपर चला गया, अब उस विंडो को फिल किया उसने यहाँ पे,
फिर ये विंडो बनी, उसने इसको भी फिल किया, फिर ये एक बड़ी विंडो बनी, अब उसने क्या किया, इसको भी फिल कर दिया, यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक बड़ी विंडो बनी थी, अब इसने इसको अभी तक फिल नहीं किया, इसका मतलब हमारे पास एक एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको के ये आपका स्टॉक जो है वो इस चीज को इसको फिल करने अभी तक आए, ठीक है। अब इसको फिल करने आएगा तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि ये हमारा एक अच्छी बाइंग बन सकती है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अपने पोर्टफोलियो में, पूरे पोर्टफोलियो में ना से ना घुसो। 1400 रुपये से जब मैं ये डिप आया था, 1400 रुपये से आप लोगों को इसलिए उठाने के लिए कह रहा था कि इन केस मार्केट में हो कुछ भी सकता है, अगर तो वो ये विंडोज को फिल करने ना आए, यहां से ऊपर चला जाए, तो आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए कोलगेट की, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि 1300 पे जाए तो भी उठाओ, 1200 पे जाए तो भी उठाओ, नीचे जाए तो भी उठाओ, बट मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि पूरे पोर्टफोलियो से उठाओ, ठीक है। मैंने हमेशा आपको कहा कि 10-10% करके उठाओ। पर्सनली मेरी लॉजिक ये होती है, मेरी लॉजिक ये होती है कि अगर मैंने एक स्टॉक को उठाया है और वो उस प्राइस से -10% या -15% गिर गया है, तो मैं उसकी डबल क्वांटिटी में उठाता हूं। अगर कोलगेट मैंने उठाया है 1300 1400 रुपए पे और आज वो 1170 रुपए पे है, तो मैं उसकी डबल क्वांटिटी उठाऊंगा जो मैंने 1300 पे उठाई थी। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमने इस AI टूल के मुताबिक इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट की है 790 रुपीज से 990 रुपीज तक अप्रोक्सीमेटली, तो उस वैल्यू और ये जो रीजन बन रहा है हमारे पास ये विंडो का, तो वो हमारे पास एक ही आ रही है। इसका मतलब आपको भी पता है कि एक स्टॉक अपनी वैल्यू के आसपास घूमता है, या तो वो ओवरबॉट होता है या तो ओवरसोल्ड होता है, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम एक ऐसा वक्त जरूर आता है कि वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ जाता है, तो कोलगेट अभी अपनी बहुत ज्यादा चांस है कि कोलगेट अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ जाए, बट मार्केट में चूंकि कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि 1400 रुपए पे भी आपने ये स्टॉक उठाना है, 1300 पे भी उठाना है, 1200 पे भी उठाना है। और आज मैं ये भी कहता हूं कि आपने अगर ये स्टॉक 900 पे आए, 700 पे आए, 800 पे आए, तो भी आपने उठाना है। वो मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस करके AI के थ्रू बता दी है कि ये स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और इसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये एक लॉन्ग रेंज में अपनी उसी पे है, मतलब वो अपने उसी मोड में है, अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो इसमें स्टॉक मार्केट में आपने हड़बड़ी नहीं करनी, माल अपना नहीं छोड़ना, अपने माल को DCA करना है। DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज होती है, हमने क्या करना है, हमने उसको उठाते रहना माल को, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कम लॉट उठाई है लेकिन ज्यादा प्राइस पे उठा लिया, तो हम कम प्राइस पे ज्यादा लॉट उठा लेंगे, ताकि जो एवरेज प्राइस है वो हमारी बीच में कहीं आ जाए। तो हमने इस तरीके से काम करना है, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, हमने हड़बड़ी में पैसा नहीं बनाना, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीजें सारी समझा दी है कि हम कोलगेट क्यों नीचे जा रहा है, कोलगेट की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है और हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। तो होप सो आपको ये वीडियो में थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी कि कोलगेट इज नॉट अ बैड शेयर, और अगर तो कोलगेट 160% की रैली दे रहा है, ठीक है, तो आपको अगर वो 30% अगर डाउनवर्ड भी चला गया, तो आपको इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और अगर इवन वो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के पास भी आ जाए, तो भी हमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल्स इंक्रीज होती जा रही है, तो एट द पॉइंट वो हमें सस्ते में ही सस्ता ही मिलेगा, ठीक है। अगर हमें 900 में मिले तो भी हमें स्टॉक सस्ते में मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे खरीदा था तो भी इसके मुताबिक इस यहाँ पे अब हमें सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब उसकी सेल्स थी वो कम थी, और यहाँ तक आते आते उसकी सेल्स ज्यादा हो गई है, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विविड क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है, फंडामेंटल्स में जाएं तो हमें दिख रहा है कि इसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। यहाँ से 30 बिलियन यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर अब दोबारा 30 बिलियन तकरीबन यहाँ पे इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, तो भाई को अपनी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और सबसे बढ़ के इस चैनल को प्यार दें।
आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग ही इसको चलाएंगे चैनल को। और मेरी जो मोटिवेशन आती है, मुझे आप लोगों से ही मोटिवेशन आती है, क्योंकि आप लोग जब तक हमें प्यार देते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तब तक ही हम वीडियोस बना पाएंगे सही और फ्री में इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।